नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छात्राओं को बैठने से पहले कई साइकिलें चोरी, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल ने दिखाई रिपोर्ट। 4 साल से प्यासे रिकांडो बस्ती के गरीब, छत से टपकता है पानी, नगर निगम ने मूंद ली आंखें। परसदा आवास पारा की महिलाओं ने घेरा जोन कार्यालय, पानी निकासी, स्कूल और आंगनबाड़ी को लेकर जताई नाराजगी। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने आईजी ने ली बैठक, रेल अफसरों को भी हिदायत। और साइबर अपराध से बचने थाने स्तर पर लोगों को किया जा रहा जागरूक, जानबो तो बचबो का दिया जा रहा नारा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। स्कूली छात्राओं को शासन की ओर से सरस्वती योजना के तहत निशुल्क साइकिलें प्रदान की जाती हैं, जिन पर अब चोरों की नजर पड़ गई है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से कुछ साइकिलें चोरी हो गई है। मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं कर्मचारियों ने प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की है। ये पता नहीं कि कितने बजे रात वो लोग आते थे, चोर लोग, और चोरी करके जाते थे, लेकिन मोहल्ले के लोग जो है, यहाँ कुछ बड़े लोग हैं जो 4 बजे भोर में घुमाया करते हैं, उन्होंने सुबह में आकर के हमको बताया 2-3 दिन बाद। बोले यहाँ डेली सामान चोरी हो रहा है, ऑटो में भर भर के लेके जा रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं। तो जब उन्होंने हमारे को बोला तो हम बोले कि अब हमको क्या पता रात में कौन क्या करता है, सोते तो यही हैं। फिर उस दिन से हमने जो है तो जागना शुरू कर दिया नाइट में। तो एक दिन दो दिन हमने देखा कोई नहीं आया, एक दिन नहीं आया। दूसरे दिन जो है तो मैं चाय पीने जा रहा था, अचानक दो लोग ये जो अभी गिरफ्तार हुए, दोनों बंदे स्कूटी साइड में खड़े करके और खुला गेट पा करके यहाँ से एक बोरी गियर की उठा करके और दौड़ करके भागे ले करके, और गियर गाड़ी में रखे और ले करके भाग गए। हमने जो है तो वहाँ से दौड़ा चिल्लाया, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाया। दोबारा गाड़ी खड़ी करके और फिर आ करके सामान उठा करके और भागने को हम समझ गए कि आएंगे अभी, दो आ रहे, तभी रंगे हाथ उनको पकड़ करके। और हमने जो है अभी क्या चाहते तो है? हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी सामान 2.5 से 3 लाख की सामान गई है, वो सामान हमारे को वो जो पकड़ाए गए चोर हैं उनके साथ में और 2-4 लोग और हैं, अकेले उनके पास की बात नहीं है। तो हमारा कहना क्या कि हमारा सामान वापस मिल जाए, क्योंकि हम गरीबों का जो है तो पैसा काटेगा कंपनी, तो हमारी पैसे ना कटे जाए। ट्रेन में चोरी की वारदात बढ़ने लगी है। ताजा मामला पुणे हटिया एक्सप्रेस में सामने आया है। अज्ञात चोर ने नासिक रोड निवासी एक यात्री का ट्रॉली बैग और लैपटॉप पार कर दिया। बैग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अलावा कपड़े और जूते रखे हुए थे। चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत 80,000 रुपए आकी गई है। मामले की जानकारी रायपुर RPF को दी गई है, ताकि मामले की छानबीन की जा सके। केस डायरी हटिया से आने के बाद रायपुर GRP असल अपराध दर्ज कर पतासाजी करेगी। सरकंडा थाना क्षेत्र के राजकिशोर नगर में स्थित बैंक टाटा कैपिटल फाइनेंस कंपनी से लोन दिलवाने के नाम से जरूरी दस्तावेज मांग करने पर प्रार्थी विष्णु शर्मा के द्वारा एजेंट को सभी दस्तावेज दिया गया। प्रार्थी के खाते से 95,500 रुपए निकलने के बाद बैंक में पता करने पर फाइनेंस कंपनी द्वारा रकम निकालना सामने आया है, जिस पर प्रार्थी विष्णु शर्मा के द्वारा सरकंडा थाना पहुंचकर धोखाधड़ी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया। मुंगेली नाका पानी टंकी के पास सट्टा पट्टी लिख रहे एक व्यक्ति को सिविल लाइन पुलिस ने धर दबोचा। पकड़ा गया सटोरिया कुदुदंड निवासी राजकुमार सूर्यवंशी के कब्जे से नगद सहित 1,000 रुपए का सट्टा पट्टी बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ 4 क जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सरकंडा क्षेत्र के चिंगराजपारा में रिकांडो बस्ती का हाल बेहाल है। यहाँ के लोग गर्मी में पानी के लिए और बरसात में पानी टपकने से खासे परेशान रहते हैं। पिछले 4 साल से यहां रहने वाले इसी तरह की समस्याओं से रोज 2-4 हो रहे हैं। निगम आयुक्त और प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद अब तक समस्या जस की तस है। पार्षद की चिट्ठी भी निगम अधिकारी और महापौर के सामने रद्दी की टोकरी में शोभा बढ़ा रही है। वर्षों पहले चिंगराजपारा की झुग्गी झोपड़ी को तोड़कर नगर निगम प्रशासन ने उन्हें पक्के मकान उपलब्ध करा दिया है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को भले ही लेंटर के मकान मिल गए हैं, मगर उनकी समस्या पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है।
पिछले 4 साल से यहाँ रह रहे लोगों को गर्मी में न तो पानी मिलता है और न ही बरसात में छतों से टपकते पानी की समस्या से निजात मिलती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है, छतों के ऊपर पानी की ढेर टंकियाँ रखी हुई हैं, मगर न तो यहाँ पानी आता है और न ही सप्लाई होता है। ये जरूर है कि यहाँ रखी टंकियाँ बिना इस्तेमाल किए टूट फूट गई हैं। पानी की बहुत समस्या है सर। सर आप देख रहे हो टंकी खाली है, सूखा पड़ा है, टूटा पड़ा हुआ है, न पानी नहीं आ रहा सर। ये किसकी जवाबदारी है? ये हमारी जवाबदारी है, प्रशासन की जवाबदारी है, निगम की जवाबदारी है, कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसका जवाबदारी है? इस सबका जवाबदारी बनता है, कुछ हमारा भी जवाबदारी बनता है। अगर इसमें पानी आ जाएगा तो इसको हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप फूटा टंकी देख रहे हैं, ये टंकी पूरा फूटा है, इसमें कहाँ से पानी? अगर निगम पानी भी दे देगा तो कहाँ से करूँ? ये तो हम लोग आने से पहले यह टंकी फूट चुका था। यहाँ पार्षद आए हैं, निगम वालों को लेके छत तो पानी चूते हैं, पार्षद बोला बन जाएगा, निगम वाला आए वो भी नहीं बन रहा है। दोनों ही मौसम में इस बस्ती के लोग खासे परेशान होते हैं, जिस ओर न तो प्रशासन ध्यान देता है और न ही निगम के अधिकारी। वार्ड पार्षद भी इनकी समस्या को लेकर निगम और जिला प्रशासन में अपनी बात रख चुके हैं, मगर समाधान अब तक नहीं किया गया है। पार्षद ने कहा कि अगर जल्द इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे निगम आयुक्त के सामने जाकर मोहल्ले वासियों के साथ प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन इस तरफ ध्यान ही दे रहे हैं, पता नहीं रिकांडो बस्ती के नाम से प्रशासन को क्या एलर्जी है, समझ नहीं आता। मैं पब्लिक को लेकर अभी भी परसों हमारे यहाँ कल 19 तारीख को हमारे सिविल लगा था, उसमें भी एक लेटर जारी किए हैं मोहल्ले वासी। ये अगर 2-3 दिन के अंदर इस समस्या का निराकरण नहीं होता है तो मैं मंडे को पूरे रिकांडो को लेकर आयुक्त का घेराव करने पर मजबूर रहूँगा और चक्का जाम करने पर भी मजबूर रहूँगा। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते इन गरीबों की यह समस्या कब तक बनी रहेगी कहा नहीं जा सकता, मगर ये तय है कि इनका आज काफी कष्ट से भरा हुआ है, जिसको लेकर निगम के अधिकारियों में जरा भी चिंता या शर्म नाम की चीज नहीं बची है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। एथलेटिक और कबड्डी के खिलाड़ियों ने शुक्रवार को जिला स्तरीय ट्रायल में भाग लिया। बहतराई के बीआर यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में खुलने वाली आवासीय अकादमी में प्रवेश के लिए राज्य स्तर पर ट्रायल रायपुर में 25 मई से शुरू होगा। जिला स्तर पर आयोजित ट्रायल में एथलेटिक के 6 बालक और 6 बालिकाओं का चयन किया गया, जबकि कबड्डी में 13 बालिका खिलाड़ी चुने गए। सभी राजधानी रायपुर में अगले सप्ताह होने वाले राज्य चयन स्पर्धा में भाग लेंगे। शुक्रवार को बहतराई स्टेडियम में हुए ट्रायल में दोनों ही खेलों के 65 बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। जो बच्चे भाग लेने आए थे, जिनको राज्य खेल परिसर में भर्ती लेना है, तो वो अपना फिजिकल यहाँ पे परफॉर्मेंस दिए है, तो जिनका भी चयन होता है ये इसमें एथलेटिक और कबड्डी है ना, मेरिट लिस्ट बनेगा और जिनका चयन होता है तो फिर वो राज्य स्तरीय चयन में जाएंगे। राज्य आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए सभी जिलों में ट्रायल हो रहे हैं। स्टेट ट्रायल में सेलेक्ट एथलेटिक के 50 बालक बालिका और कबड्डी के 30 बालिकाओं को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले के खिलाड़ियों का खेल कौशल परखने कोच प्रशिक्षक मौजूद थे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की वरिष्ठ खेल अधिकारी सुश्री सुधा कुमार के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारी और खेल संघ से जुड़े लोगों की उपस्थिति में ट्रायल हुआ। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसौ टीवी, बिलासपुर। मंगला चौक से उसलापुर ओवरब्रिज तक रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। इस सड़क में एक निजी कोचिंग संस्थान की गाड़ियां सड़क पर ही पार्क कराई जाती है, जिसके चलते राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बिलासपुर शहर में पार्किंग की समस्या आम बात हो गई है। यहां लोग सड़कों पर ही अपने वाहन पार्क करते हैं, जिसके चलते आए दिन मंगला चौक से लेकर उसलापुर ओवरब्रिज तक जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। सड़क के बाईं ओर नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चलते कॉलोनियों में जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी गई है। वहीं दाईं ओर सड़क पर वाहनों की लंबी कतार आपको नजर आएगी, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। मिनोचा कॉलोनी के पास नाली का निर्माण कराया जा रहा है, इसका मलबा सड़क किनारे रखा है। यही नहीं, कॉलोनी के सामने एक निजी कोचिंग संस्थान है, जहाँ SBI का बैंक भी संचालित है। यहाँ आने वाले लोग अपने वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं, इससे राहगीरों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। निजी कोचिंग संस्थान से जब बच्चे बाहर आते हैं तो उनकी भारी भीड़ से सड़क भर जाती है,
रोजाना इस समस्या से राहगीरों को दो चार होना पड़ रहा है, मगर ट्रैफिक पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं है और ना ही निगम के अधिकारियों का। दरअसल संस्थान द्वारा पार्किंग स्थल बनाया गया है, लेकिन वो काफ़ी छोटा है, जिसके चलते यहाँ आने वाले विद्यार्थी अपने वाहन सड़क पर ही छोड़कर भीतर चले जाते हैं। संस्थान द्वारा फैलाई जा रही अव्यवस्था से आम लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा कि निगम और पुलिस यहाँ कब और किस प्रकार की कार्यवाही करता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शासकीय कार्यालयों में शुक्रवार को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया गया। अधिकारी और कर्मचारियों को इस अवसर पर आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ लड़ने की शपथ दिलाई गई। मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत दिवस 21 मई को हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है, लेकिन 21 मई के दिन कार्यालयों में अवकाश होने के कारण एक दिन पूर्व यह दिवस मनाया गया। कमिश्नर कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर अखिलेश साहू और जिला कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक सीएस सिदार ने शपथ दिलाई। सभी प्रकार की हिंसा और आतंकवाद का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ उन्होंने ली है। यातायात नगर परसदा आवास पारा के रहवासियों ने विभिन्न मांगों को लेकर तिफरा जोन कार्यालय का घेराव कर दिया। आक्रोशित वार्ड वासियों का कहना है कि क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए, साथ ही पेयजल और पानी निकासी की व्यवस्था तत्काल की जाए। वार्ड क्रमांक 9 यातायात नगर के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। शुक्रवार को परसदा आवास पारा तिफरा की रहने वाली महिलाएं तिफरा जोन कार्यालय पहुंचकर वहां का घेराव कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि यहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है, साथ ही जल निकासी को लेकर भी वह परेशान हैं। क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल नहीं होने के कारण बच्चों को दूर पढ़ाई करने जाना पड़ता है, साथ ही एक आंगनबाड़ी केंद्र होने के कारण बच्चों को यहां पढ़ाई करने में समस्या होती है। आक्रोशित महिलाओं ने क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल और अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र की मांग की है। वहीं पेयजल की उचित व्यवस्था करने और पानी निकासी के लिए नाली बनवाने की मांग महिलाओं ने जोन कमिश्नर से की है। निगम से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, टैक्स के नाम पे पूरा वसूली किया जा रहा है, यहाँ तक कचरा गाड़ी हमारे वार्ड में नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है वहाँ पर। नाली का भी कोई व्यवस्था नहीं है, बरसात में तो चलना दुभर हो जा रहा है, जिसका टैक्स निगम हमसे वसूल रहा है। और यही सब मूलभूत समस्या को लेकर के हम निगम कमिश्नर से शिकायत लेकर के आए थे। सब समस्या के लिए आए हैं, रोड नहीं बने हैं, रोड चिखल है, बाल बच्चा स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए, वहाँ पर तो धूल धड़क का में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ बहुत समस्या है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, ना पानी है की सुविधा है, नल में पानी जाते हैं, सब तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो गली गली में कम से कम टेप नल चाहिए, घर घर में वही तो सीधा खोज रहा है, कहाँ सीधा मांगेंगे। हमारे गली में नल नहीं है, नल है, नाली नहीं है, ना कोई के व्यवस्था नहीं है, धूल मिट्टी खा रहे हैं हम लोग, पूरा गर्दा में एकदम डूब रहे हैं, गाड़ी चलते एकदम कोयला गाड़ी, धूल से एकदम नहा रहे, ना नाली है ना कोई व्यवस्था नहीं है। नल तो है लेकिन पानी नहीं है, उसमें पानी तो नहीं है, है ना, आप उसको और गहरीकरण कराओगे फिर भी पानी नहीं निकलेगा, तो दूसरे जगह नया बोर चाहिए है, बच्चे लोग स्कूल जब जाते हैं तो उसको अपने कंधा में उठा के ले जाना पड़ता है, साइकिल को भी बच्चे लोग को भी, बरसात आ रही है, बरसात में घुटना घुटना तक पानी भरा रहता है, तो क्या करें बताओ, रोड बनाना जरूरी है, टैक्स दे रहे हैं घर का, कचरे का टैक्स दे रहे हैं, बाल्टी का टैक्स दे रहे हैं, वहाँ कचड़े वाला नहीं जाता है, ना कचड़े वाला जाता है, ना कुछ जाता है, पानी का कोई सुविधा नहीं है। जोन कमिश्नर प्रवेश कश्यप ने कहा कि क्षेत्र में बोर किया गया है, जिसे जल्द ही लोगों को पानी मिलने लगेगा। अमृत मिशन के काम के लिए 2 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका काम जल्द शुरू होगा। आवास पारा की महिलाएं आई थी और उनकी मांग है वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोलने की, साथ ही एक आंगनबाड़ी और 11 केवी का जो विद्युत लाइन है उसको हटाने की मांग थी, तो उन्हें संबंधित विभागों में भी आवेदन देने के लिए कहा गया है, और हमारे विभाग से संबंधित पानी की समस्या उनके द्वारा बताई गई है। हाल ही में वहाँ एक बोर कराया गया है, जल्द ही पाइपलाइन विस्तार कर लोगों को सुविधा दी जाएगी। अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत
लगभग 12 किलोमीटर का पाइपलाइन नया प्रस्तावित है। 2,64,00,000 का प्रस्ताव जल शाखा के द्वारा डीपीआर बनाकर भेजा गया है। वार्ड में पहुंच मार्ग खराब होने के कारण महिलाओं ने सीसी रोड बनाने व जमीन का पट्टा दिए जाने की भी मांग अधिकारियों से की है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नौजवान सभा ने देश भर में शुक्रवार को धरना दिया। नेहरू चौक में युवा आंदोलनकारियों ने मोदी सरकार पर गलत निर्णय लेने और पूंजीपतियों का साथ देने आरोप लगाया, जिसके कारण आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। धरने के माध्यम से बेरोजगार कानून बनाने की मांग उठाई है। इसमें पढ़े लिखे युवाओं के अलावा कुशल और अकुशल को नौकरी देने का प्रावधान करने कहा गया। महंगाई रोकने समेत संयुक्त मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा गया। आज पूरे नेशनल वाइड की ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की कॉल थी कि जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थ हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। और इसके अलावा जो सबसे मुख्य हमारे देश की एक मुश्किल बनती जा रही है कि युवाओं में बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ रही है, उसकी स्थितियाँ देश में बिल्कुल विस्फोटक बनती जा रही है। आज हम पूरे नेशनल वाइड पर हर राज्य में धरना देकर मांग कर रहे हैं कि महंगाई पर रोक लगाई जाए और देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारे देश की पार्लियामेंट में एक एक्ट बने। भारतीय किसान संघ की जिला इकाई ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। किसान मित्रों की मांग को सामने रखते हुए जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह ने कहा, क्षेत्र के किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। वसुंधरा कंपनी को किसानों ने 12 साल पहले जमीन बेची थी और नौकरी रोजगार की आस लगाए बैठे थे, मगर वसुंधरा कंपनी ने खरीदी गई जमीन को दूसरी कंपनी राशि स्टील प्लांट को बेच दी, जिससे वे छले गए हैं। किसान नेता ने कहा है कि कृषक मित्रों का काफी समय से मानदेय नहीं मिला है, क्योंकि दूसरे मद में राशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस दिशा में गंभीरता के साथ ध्यान देने की मांग की है। आज भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में हमारे बिलासपुर जिले के किसान बंधु माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें 3-4 विषयों को लेकर के जो गंभीर विषय है, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कृषक मित्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, सब्जी मंडी में हमारे सब्जी पहुँचाने वाले कृषक जो बंधु हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम नाम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मानदेय का भुगतान नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में कृषक मित्र भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में उग्र आंदोलन करेगा, कलेक्ट्रेट की घेराव करेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छात्राओं को बढ़ने से पहले हुई साइकिलें चोरी, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल ने दिखाई रिपोर्ट। 4 साल से प्यासे रिकांडो बस्ती के गरीब, छत से टपकता है पानी, नगर निगम ने बूंद ली आंखें। परसदा आवास पारा की महिलाओं ने घेरा जोन कार्यालय, पानी निकासी, स्कूल और आंगनबाड़ी को लेकर जताई नाराजगी। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने आईजी ने ली बैठक, रेल अफसरों को भी हिदायत। और साइबर अपराध से बचने थाने स्तर पर लोगों को किया जा रहा जागरूक, जानबो तो बचबो का दिया जा रहा नारा। आईजी रतनलाल डांगी ने शुक्रवार को मैराथन बैठक ली। रेलवे अधिकारियों के साथ हुई बैठक में चाइल्ड एंड वुमेन ट्रैफिकिंग अपराध पर अंकुश लगाए जाने, गांजा व मादक पदार्थों की तस्करी और कोयला चोरी पर रोक लगाने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। रेंज स्तरीय बैठक में दूसरे जिले के अधिकारियों को वर्चुअल जोड़ा गया। इस दौरान दोष मुक्ति प्रकरण और अनुसूचित जाति व जनजाति मामलों में राहत मामलों पर चर्चा की गई। पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने रेलवे के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। सीमावर्ती राज्यों की ओर से गांजा व मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने, जिला पुलिस बल और जीआरपी व आरपीएफ के बीच समन्वय स्थापित कर सघन चेकिंग अभियान चलाने पर जोर दिया गया। वहीं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों में एंट्री और एग्जिट प्वाइंट को कम से कम करने कहा गया।
रेलवे प्लेटफॉर्म से चाइल्ड एवं वुमेन ट्रैफिकिंग अपराध पर अंकुश लगाए जाने चलाए जा रहे अभियान की उन्होंने जानकारी ली। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे परिक्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी आईजी ने जानकारी ली। एससी एसटी से रिलेटेड प्रकरण उनकी आज समीक्षा करा रेंज के जो लंबित हैं और जिसमें राहत राशि नहीं मिल रही है, और क्योंकि इसमें फरियादी भी हैं और हमारे विवेचक भी हैं, तो बहुत सारे मामले हैं जिसमें उनको राहत राशि के प्रकरण जो है भेजे गए हैं, किसी में जो है नहीं भेजे गए, जिनमें नहीं भेजे गए विलम्ब है, तो उसमें उन संबंधित का जो स्पष्टीकरण जो है लिया जाएगा और एक उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो फरियादी हैं उनसे इस बात का भी पूछ रहे हैं कि अपराध दर्ज होने के बाद जो आरोपी हैं वो आपको डरा धमका तो नहीं रहा, यदि पुलिस और कुछ आपको मदद चाहिए तो वो भी जो है उन सभी फरियादों से पूछ करके बात कर रहे हैं। मैराथन बैठक में रेंजवार दोष मुक्ति प्रकरण पर भी चर्चा की गई। प्रकरण में ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित करने कहा गया। इस दौरान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकरणों में राहत पाने वाले लाभार्थियों से आईजी ने वर्चुअल बातचीत की। बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक पारुल माथुर सहित पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हावड़ा मुंबई मेल में सफर के दौरान एक यात्री गिरकर घायल हो गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ और स्टेशन मास्टर ने घायल यात्री को एम्बुलेंस की मदद से अकलतरा सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया है। घटना अकलतरा जलराम नगर सेक्शन की है। यात्री की जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार उसका नाम पारस राम सिंह, 31 वर्ष, तुरबुल कामदारा, गुमला, झारखंड का रहने वाला है। रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉलोनी स्थित गणेश मंदिर में संकष्टी चतुर्थी के मौके पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। हिंदुओं के लिए यह एक शुभ त्योहार है। भगवान गणेश का दर्शन लाभ प्राप्त करने सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ज्येष्ठ माह की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस विशेष अवसर पर भगवान गणेश को मोदक, दुर्वा, सुपारी और अन्य नैवेद्य अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी को सच्चे मन से पूजा करने से भक्तों को सुख समृद्धि, बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जैसे हर चतुर्थी में जैसा हवन होता है, संकट चतुर्थी में गणपति हवन से स्टार्ट होके फिर शाम सुबह अभिषेक, फिर शाम को भी अभिषेक हुआ, फिर अर्चना हुआ, शासनाम अर्चना हुआ और अभी आरती हो गई, सवा सात बजे कुछ आरती हुई और अभी प्रसाद भक्त लोग आ रहे हैं, प्रसाद अपना लेके ग्रहण करें। जिले का पुलिस विभाग इन दिनों ग्राम सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहा है। अलग अलग तरह के अपराध से बचने ग्रामीणों को स्थानीय भाषा में बताया और समझाया जा रहा है। भोले भाले ग्रामीण आसानी से ठगों के झांसे में आते हैं। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की समझ नहीं होने से ये साइबर अपराध का शिकार बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया है। सियान के अधिकार और महिला बच्चों की सुरक्षा का उपाय बताकर इसे ज्यादा कारगर बनाने की कोशिश की गई है। तखतपुर के ग्रामीण इलाके में पहुंची पुलिस टीम ने बताया, जेवर चमकाने, अनजान व्यक्ति से मेल मुलाकात या अपना फोटो वीडियो देना, गोपनीय बैंकिंग जानकारी शेयर करना अपराध को बढ़ावा देता है। इन बातों का ख्याल करते हुए अलर्ट रहने की सलाह दी गई। जानबो तो बचपो छत्तीसगढ़ी भाषा है, छत्तीसगढ़ी में इसलिए इसका नाम को रखा गया है ताकि लोगों को जा कर छत्तीसगढ़ी भाषा में गांव-गांव में जा कर समझाया जा सके। इसके माध्यम से बैंक संबंधी अपराध, साइबर अपराध, सियान लोग के अधिकार, महिला संगठित होने वाले अपराध, इस सब के बारे में बताया जा रहा है और उससे कैसे आदमी को बचा जा सकता है। सियान का अधिकार के बारे में कानूनी जानकारी भी दी गई, जिसमें घर के बुजुर्गों को भोजन, आवास और चिकित्सा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसी तरह ग्रामीणों को जागरूक करने थाना स्तर पर टीम बनाकर जानबो त बजबो का नारा दिया जा रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर कर रहे 17 वर्षीय एक यात्री की मौत हो गई। प्रथम दृष्टया लू लगने की मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वजह स्पष्ट होगी। इधर जीआरपी ने परिजनों को सूचना दे दी है। जानकारी के अनुसार मृतक अशफाक शेख बहरा डांगा आमटाला जिला मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। बहरहाल मृतक के शव को शवगृह में रखा गया है।
गेट नंबर एक के पास बना फुट ओवरब्रिज जर्जर हो चुका है। आलम यह है कि इस ब्रिज का इस्तेमाल करने से लोग कतराने लगे हैं। रेलवे की अनदेखी के चलते फुट ओवरब्रिज कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर एक में सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस गेट के पास यात्रियों को काफी बड़ी खाली जगह मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। दरअसल गेट नंबर एक को भव्य बनाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर एक के नागपुर अंतिम छोर में बने फुट ओवरब्रिज को तोड़ा गया, जिसकी छत आधे से ज़्यादा गायब हो चुकी है। लेकिन इस ब्रिज का उपयोग अभी भी यात्री अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कर रहे हैं। इस ब्रिज का आधा हिस्सा टूटा हुआ है। आधे हिस्से का उपयोग यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 पर जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर अभी नया फुट ओवरब्रिज बनाया गया है उसे आधे में ही छोड़ दिया गया है, जिसके चलते यात्रियों को इसमें आने जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्रियों को टूटे हुए शेड से काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं। तेज़ आंधी तूफान में फुट ओवरब्रिज पर लगा टीन लोहे के एंगल के नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। इधर मरम्मत के लिए रेलवे के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते यात्री खासे नाराज़ हैं। यह टूटा हुआ ब्रिज हादसों को बुलावा दे रहा है। यदि समय रहते इसका मरम्मत कार्य नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में यह ब्रिज यात्रियों के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।